हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग बनाएंगे शेड वाली हाउस। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक्चुअली वैसा हट बनाने वाले हैं जो कि गांव में मिलता है, छप्पड़ वाला। तो ये हमने लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को इस तरह से खींचना है, इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ जाए इस तरफ, और इस लाइन को इस तरह से खींचना है, लेफ्ट की तरफ जाए, लेफ्ट की तरफ उठ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हाफ सर्कल ऐसे ऐसे, जैसे हम थ्री बनाते हैं ना, लेकिन अपोजिट थ्री बनेगा, उल्टा थ्री बनेगा हमारा। ठीक है, वैसे थ्री टाइप का बना देना है। अब इसमें जो शेड होता है, जो छप्पर टाइप का होता है ना, वो हम बाद में देंगे। पहले हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे छप्पर जैसे रहता है। ठीक है, तब वो, लेकिन जब आप वैक्स कलर से कर रहे हो तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं वाटर कलर से करूँगी, इसलिए मैं नहीं करूँगी, मतलब कलर मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, और फिर हाफ सर्कल टाइप का बनाना, जो मैं बाद में बताऊँगी, इस तरह से करना है आपको। ओके, अब इसमें हम सीधी लाइन खींचेंगे, ये इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी इस तरह से, नीचे से भी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचते जाएंगे, और उसके बाद फिर एक झाड़ी जैसे बना देंगे, झाड़ी, हरी हरी घास टाइप की झाड़ी, उस टाइप की बना देंगे। मेन दरवाज़ा बना रही हूँ, इस तरह से लाइन खींच के इस तरह से बना दूँगी मैं, और फिर मैं एक डोर बना रही हूँ, जो लाइन को इस तरह से झुकाना है, ऐसी सीधी लाइन इस तरह से झुकाना है इसको, और फिर सीधी लाइन, और फिर इस तरह से ऐसे लाइन खींचना है। एक और पल्ला मैं बना दूँगी, दो दरवाजे होते हैं ना, दो पल्ले होते हैं, इस तरह से इसे ही बना दूँगी। ये हमने कुंडी लगा दिया, दो कुंडी लगेगी, दो पल्ले हैं। अब यहाँ पर विंडो बना देंगे, इसे भी कलर करके हम फिर विंडो का, विंडो जैसा होता है वैसा बना देंगे। पहले कलर करेंगे तब। अब इसमें एक और झाड़ी दे देते हैं। तो चलिए अब हम इसे कलर करेंगे। ओके, तो मैं इसमें आपको हल्की 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 लाइन खींच के बता दे रही हूँ कैसे करना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, फिर इसमें बाद में और लाइन ड्रा कर लूँगी। देखिए, इसे इस तरह से बनाना है। कलर करने के लिए देखिए, मैं इस टाइप के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, ये मिलते हैं मार्केट में आसानी से। आप कोई भी वाटर कलर ले सकते हो। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लिया, इसे ब्राउन से मैं कर रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आराम से करें, कलर हमारा बाहर ना निकले। पहले जो सर्कल वाला है उसे कलर कर ले, नहीं तो फिर साइड साइड। आप कलर क्रेयॉन से कर सकते हैं, फिर स्केच पेन के, स्केच पेन से भी कर सकते हैं। वाटर कलर से क्या होता है कि कहीं डार्क कहीं लाइट रहता है, तो उसमें शेड दिखता है, तो वो अच्छा लगता है। ये यहाँ मैं सर्कल वाले हिस्से को पहले कलर कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर पूरे में कलर कर दूँगी। इस तरह से हमारा पूरे में कलर हो जाएगा। मैं घर की दीवार को येलो कलर से कलर करूँगी। सबसे पहले जो विंडो की जो साइड होते हैं ना, उसको कवर कर लेना है, विंडो की साइड को, फिर जो हमारा जो मेन दरवाज़ा है उसकी साइड को इस तरह से पहले कवर कर ले। इससे क्या होता है कि ना, इससे क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है वो जाता नहीं, अंदर नहीं जाएगा, विंडो के अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए, मैंने दरवाजे को भी कवर कर ले रही हूँ। पहले इस तरह से कवर करते हुए पूरे में कलर कर लेना है येलो कलर से। झाड़ी को भी मैं कवर कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पूरे में येलो से कलर कर दूँगी पूरे दीवार में।
दीवार को कलर करने के बाद अब डोर में पिंक कलर से मैं कलर कर रही हूँ। आप कोई भी कलर ले लो। तो पिंक कलर से मैंने कलर कर दिया। उसके बाद दोनों पल्लों को पिंक कलर से, फिर विंडो को भी पिंक कलर से कलर कर देना है। ये देखिए हो गया पिंक से कलर। अब मैं झाड़ी बनाऊंगी। इसे भी पहले सर्कल वाले हिस्से को कवर करते हुए, अंदर से कवर करते हुए ग्रीन से कलर कर देना है पूरी झाड़ी में। पहले मैं लाइट ग्रीन से कलर कर रही हूँ, ठीक है। पहले लाइट ग्रीन से, उसके बाद फिर मैं डार्क ग्रीन दूंगी। इस तरह से हम मैं पूरी झाड़ी में कलर कर दूंगी। ओके, अब यहाँ मैंने डॉट डॉट टैप टैप करके देना शुरू कर दिया है झाड़ी ही बनाने के लिए। आप इस तरह से भी झाड़ी बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से ऐसे आप झाड़ी बना सकते हैं। ये पूरे में हमें ऐसे ही कर देना है, इस तरह से करते हुए। नीचे वाले हिस्से में भी, जमीन के हिस्से में भी हम ग्रीन कलर डाल देंगे, ठीक है। ये ग्रीन कलर हमने डाल दिया। फिर उसके बाद फिर हम इसको फैलाते हुए कलर करेंगे। हल्का ग्रीन ले लेंगे, उसको पानी से फैलाएंगे, ठीक है। पानी का यूज़ करके फैलाएंगे। फिर हम उसमें ब्राउन कलर भी हल्का मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी का भी तो कलर आना चाहिए। तो फिर हल्का सा ब्राउन कलर, ये देखिए, इसे मिक्स कर देंगे डाल करके। यहाँ भी मैं अंदर में ब्राउन कलर ही डाल दे रही हूँ। ये ब्राउन कलर है। यहाँ झाड़ी में मैं हल्का सा येलो कलर मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि कभी होता है ना धूप से पत्ते चमकते हैं, तो बस वही इफ़ेक्ट देने के लिए हल्का सा मैं येलो कलर मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पूरी झाड़ी में मैं ऐसे ही कर दूँगी। इसी तरह इस झाड़ी में भी मैं येलो कलर थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। मैं डार्क ग्रीन ले लूँगी और इसी तरह थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करते हुए हमें मिक्स करना है, मतलब पत्तों को दिखाना है, कहीं डार्क होते हैं कहीं लाइट होते हैं। इस तरह से पूरी झाड़ी में हमें ये डाल देना है, छोटे छोटे पौधों में। और इस तरफ भी इसी तरह हमें यूज़ कर लेना है डार्क कलर का। फिर जब ये सूख जाएंगे ना, जब ये सूख जाएंगे तब हम इसमें फिर रेड कलर डॉट डॉट करके डालेंगे, मतलब इफ़ेक्ट आएगा कि फूल हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए इसे सूखने के लिए हमने छोड़ दिया है। तब तक मैं क्या करूँगी कि सेड में आउटलाइन दे दूँगी, ठीक है। इस सेड में मैं अब आउटलाइन दे देती हूँ, क्योंकि सूख चुका है हमारा सेड। इस तरह से पूरे में आउटलाइन हमने दे दिया। अब मैं इसे हाफ सर्कल टाइप का ये बना देती हूँ, क्योंकि जो छप्पड़ होते हैं इस टाइप के, जो सेट के जो घर होते हैं वो इसी तरह होते हैं ना, हाफ सर्कल टाइप के इसमें लगे हुए रहते हैं। इस तरह पूरे में हम हाफ सर्कल बना देंगे ऐसे करते करते, ठीक है। और अब ये जो पिंक कलर के जो बॉक्स बने हुए हैं उससे मैं विंडो बना देती हूँ, जिससे लगे कि ये विंडो है, खिड़की है, ठीक है, इस तरह से। और ये आउटलाइन भी कर दिया मैंने डार्क कलर से। अब यहाँ पर ये छोटा सा इस तरह से, इसे भी मैं पिंक कलर से कलर कर दूंगी। अब इन छोटे छोटे पौधों के कलर सूख चुके हैं, तो मैं रेड कलर ले रही हूँ और इसे डॉट डॉट करके मैं डालूंगी, जिससे कि ये लगे फूल हैं, रेड कलर के फ्लावर हैं छोटे छोटे। दूर से तो ऐसे ही दिखते हैं, छोटे छोटे से दिखते हैं चमकते हुए। रेड कलर या येलो कलर कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, एकदम डार्क लेना है लेकिन, ताकि वो ऊपर से उभर करके आए। इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सेड डालेंगे, क्योंकि जो छप्पड़ है उसके नीचे हम थोड़ा सेड दिखा देंगे। ये मैंने येलो और रेड ले लिया है, उसे मिक्स करके मैं डाल रही हूँ, ठीक है। अब पूरे में अप्लाई करूँगी, बस थोड़े से पार्ट में हमें थोड़ा सा सेड दिखा देना है, बस इतना ही हमें करना है। तो ये मैं इस तरह से पूरे में डाल दूँगी, पूरे में कलर इस तरह से देखिए फैला दिया है। हमें थोड़े से पार्ट में ही बस सेट करना है, पूरे में नहीं। देखिए नीचे हमारा येलो है, केवल थोड़ा सा ही है सेट, ओके। आपको दिख रहा है बस उतना ही सेट देना है, ठीक है। इस तरह हम पूरे में सेट कर लेंगे।
मैंने आई बटन पर कुछ कुछ वीडियो डाल रखे हैं पहले, आप उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, वो बच्चों के लिए ही हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। और लास्ट में भी मैं डाल दूंगी, वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। मैंने एक और हाउस इससे पहले भी तैयार किया है, वो दूसरे टाइप का हाउस है, हट ही जैसा है, आप मैं भी उसका भी आई बटन पर आपको डाल दूंगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो मेरा ये वीडियो पूरा हो गया है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।